जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में, और डिस्टेंस एजुकेशन में भी हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी हैं जिनको डिस्टेंस का अप्रूवल मिला हुआ है, और कौन कौन सी बेस्ट यूनिवर्सिटी है, किन यूनिवर्सिटी से हमें कोर्सेज करना चाहिए और किस किस यूनिवर्सिटी से हमें कोर्स नहीं करना चाहिए, और एडमिशन लेने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो पूरी डिटेल में पॉइंट टू पॉइंट में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो यदि आप भी डिस्टेंस से कोई कोर्स करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के करते हैं आज की वीडियो को शुरू। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूंगा, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि एजुकेशन से जुड़ी हुई कोई भी अपडेट होती है सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाता हूं इस चैनल के माध्यम से। साथियों, हम जब भी किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, तो हमें एडमिशन लेने से पहले उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी के एफिलिएशन के बारे में पता करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यदि हम कोई कोर्स कर रहे हैं और वो कोर्स आपका उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अप्रूव्ड नहीं है, यानी कि उसको अप्रूवल उसका नहीं मिला हुआ है, तो वो जो हमारा कोर्स होता है वो मान्य नहीं होता है। यानी कि जो आप डिग्री या डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं तो वो कोर्स आपका मान्य नहीं होगा। तो साथियों, इसीलिए हम जब भी कोई कोर्स करें तो कोर्स करने से पहले हम जिस भी यूनिवर्सिटी से उस कोर्स को कर रहे हैं उस यूनिवर्सिटी या कॉलेज के हमें अप्रूवल को जान लेना बहुत जरूरी होता है। तो साथियों, आज हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है जिनको डिस्टेंस का अप्रूवल मिला हुआ है, कि आप डिस्टेंस से कोर्स करना चाहते हैं तो वो आप किस यूनिवर्सिटी से करें। तो साथियों, उत्तर प्रदेश में जो 2020 में अप्रूवल मिला है यूजीसी की तरफ से, तो वो सिर्फ मात्र 5 यूनिवर्सिटी को मिला है। यानी कि 5 यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिनको डिस्टेंस का अप्रूवल मिला है। अब वो कौन कौन सी हैं, उसमें सबसे पहला जो नंबर आता है वो आता है अमेठी यूनिवर्सिटी का, जो कि कहां पर है, नोएडा में है अमेठी यूनिवर्सिटी। अब ऐसा नहीं है कि जो अमेठी में सारे कोर्सेज चलते हैं, यानी कि बहुत सारे कोर्सेज वहां पर चलते हैं, तो सभी कोर्सेज डिस्टेंस में भी कराए जा सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। डिस्टेंस के कुछ कोर्सेज होते हैं जिनका अप्रूवल यूजीसी से मिलता है। जिन कोर्सेज का अप्रूवल मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी उन्हीं कोर्सेज को डिस्टेंस मोड में चला सकती है। तो आपको यह भी ध्यान रख लेना है कि कौन सा कोर्स आप कर रहे हैं उस कोर्स का डिस्टेंस का अप्रूवल है या नहीं है। आगे बात करें, जो दूसरी यूनिवर्सिटी है वो है आपकी स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी, जो कि कहां पर है, मेरठ में स्थित है। ये यूनिवर्सिटी भी काफी अच्छी है, नैक एग्रीगेटेड यूनिवर्सिटी है, A+ ग्रेड मिला हुआ है। तो इसमें भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जिनको डिस्टेंस का अप्रूवल मिला हुआ है। ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो कि मेरठ में स्थित है। इसमें मेडिकल कोर्सेज और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं। तो यदि आप डिस्टेंस से करना चाहते हैं कोर्सेज, तो आप सुभारती यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हैं। इससे आगे बात करें, तीसरी जो यूनिवर्सिटी है वो है आपका इंटीग्रल यूनिवर्सिटी, जो कि कहां पर स्थित है, लखनऊ में है। इंटीग्रल यूनिवर्सिटी भी काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है। आप यहां से भी आप अपने डिस्टेंस के कोर्सेज कर सकते हैं। सब मैंने आपको जैसे बताया, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कोर्सेज हैं, लेकिन सभी कोर्सेज डिस्टेंस का अप्रूवल सभी कोर्सेज को नहीं है। बहुत कम कोर्सेज हैं जिनका डिस्टेंस का अप्रूवल है। तो आप यदि वहां से कोई भी डिस्टेंस का कोर्स कर रहे हैं, तो उसका पहले ये जान लीजिएगा कि वो कोर्स अप्रूव्ड है या नहीं है। तो साथियों, इसके बाद में हम बात करें, जो हमारा चौथा नंबर आता है यूनिवर्सिटी का, तो वो है श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी, जो कि कहां पर है, गजरौला में है। तो यहां से आपके 4 से 5 कोर्सेज हैं जिनको डिस्टेंस का अप्रूवल मिला हुआ है। तो यदि आप यहां से गजरौला से आप करना चाहते हैं श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी से, तो वहां से भी आप कर सकते हैं। डिस्टेंस का इस यूनिवर्सिटी को जो अप्रूवल मिला है वो 19 से ही शुरू हुआ है, यानी कि ज्यादा पुराना डिस्टेंस का अप्रूवल इसको नहीं था। 19 से ही इन्होंने कोर्स स्टार्ट किए हैं। तो आप यहां से भी कर सकते हैं श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी गजरौला से भी। और जो 5वां नंबर आता है वो आता है आगरा में, एक इंस्टीट्यूट चलता है जिसका नाम है दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो आप यहां से भी जो डिस्टेंस के कोर्सेज हैं कर सकते हैं, जो जो कोर्स यहां पर अप्रूव्ड हैं। तो साथियों, डिस्टेंस के बारे में मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है कि डिस्टेंस आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या क्या बेनिफिट है, और सुभारती यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्स अप्रूव्ड है, आपका इंटीग्रल में कौन कौन से कोर्स अप्रूव्ड है, कौन कौन से कोर्स वहां से आप कर सकते हैं, इसी तरीके से मैंने इंडिविजुअल वीडियो बनाई हुई है। तो यदि आपको डिस्टेंस के बारे में और अधिक जानना है, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उस टॉपिक पर वीडियो या आपको आंसर की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।